अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा यूनिट नंबर 10 का लेक्चर है। इस टॉपिक का नाम है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या है, इसमें तीन चार पोस्टुलेट्स हैं जिसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि टू और मोर देन टू ट्रायंगल्स कैन बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ज्योमेट्री में इक्वल होता है, यानी इफ टू और मोर देन टू ट्रायंगल्स आर हैविंग सेम लेंथ ऑफ साइड्स एंड सेम एंगल्स देन द टू ट्राइंगल आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट। यानी बुक के अंदर जो चैप्टर नंबर 10 की जो डेफिनेशंस हैं वो चैप्टर के अंदर भी हैं, इसलिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से भी आपको एक डेफिनेशन या दो डेफिनेशन आ सकती हैं या MCQs आ सकते हैं। आपने जो डेफिनेशन याद करनी है, जिस तरह आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 9 की जितनी डेफिनेशन है उनमें डायग्राम इन्वॉल्व था मोस्टली में, तो उसका डायग्राम बनाना ज़रूरी है, अदरवाइज आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो आज चैप्टर नंबर 10 की भी तमाम डेफिनेशन जो हैं उसके मैं डायग्राम्स आपको समझाऊंगा, बाकी डेफिनेशन आप बुक से भी याद कर सकते हैं, और जब आपको डायग्राम समझ आ जाएगी तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो डेफिनेशन याद करने में भी आसानी होगी आपको। लेट्स स्टार्ट। बुक के पेज नंबर 186 पे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स का मतलब क्या है, जैसे मैंने भी बताया कि टू और मोर देन टू ट्राइंगल्स आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। यानी अगर दो या दो से ज़्यादा ट्राइंगल्स जिनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक जैसे होंगे वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहलाती हैं। अब ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ये बुक से भी आप याद कर सकते हैं। जब आपने इसका डायग्राम बनाया, देखें दो मैंने ट्राइंगल्स बनाई हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, दीज आर टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्योंकि जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल की भी डेफिनेशन होता है, उसके तीनों साइड्स भी एक जैसी होती हैं यानी कॉन्ग्रुएंट होती हैं यानी इक्वल होती हैं, और तीनों एंगल्स भी। तो अब इसको इसी तरह लिखेंगे, देखें ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ एंड सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ। इसका मतलब क्या है, ये देखें, जैसे मैंने चैप्टर नंबर 9 में बताया था कि जब भी आपने कोई ट्राइंगल बनानी है, जब भी कोई ज्योमेट्रिकल शेप बनानी है, तो उसके ऊपर जो मार्क्स हैं वो बताएंगे कि अगर देखें जैसे ए बी पे 1 मार्क बना हुआ है और डी ई पे भी 1 मार्क बना है, इसका मतलब दोनों एक जैसी हैं। सिमिलरली सी ए और डी एफ पे डबल मार्क्स लगाए हुए हैं, इसका मतलब ये दोनों एक जैसी हैं। सिमिलरली बी सी एंड ई एफ इन तीनों पे 3 मार्क्स लगाए हैं, इसका मतलब है ये तीनों साइड्स एक जैसी हैं। सिमिलरली एंगल्स पे देखें, एंगल ए 1 मार्क, एंगल डी 1 मार्क, एंगल बी डबल मार्क, एंगल ई भी डबल मार्क। सिमिलरली एंगल सी पे ट्रिपल मार्क है और एंगल एफ पे भी ट्रिपल मार्क है। इसका मतलब है आपने डेफिनेशन याद करनी है और इसी तरह इसकी डायग्राम बनाने के बाद आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है, तो आपको इंशाल्लाह फुल मार्क्स मिलेंगे। अब एक तो ये हो गई कि तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स एक जैसे हों तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इसके अलावा पोस्टुलेट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स होंगे तो ही कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगी, यानी तीनों साइड और तीनों एंगल्स के अलावा भी कुछ रूल्स हैं जिसके मुताबिक दो या दो से ज़्यादा ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, उनको कहते हैं पोस्टुलेट्स। पहला है ए एस ए पोस्टुलेट, यानी एंगल साइड एंगल, इसको ऐसे पढ़ते हैं एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट। इसका मतलब क्या है कि अगर दो या दो से ज़्यादा ट्राइंगल्स के दो एंगल्स और उनके दरमियान वाली साइड या एनी टू एंगल्स एंड वन साइड आर कॉन्ग्रुएंट देन द टू ट्राइंगल आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट अकॉर्डिंग टू ए एस ए पोस्टुलेट। यानी अभी देखिए मैंने दो ट्राइंगल बनाई है, ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। अब इसके मुताबिक क्या है, कोई से दो यानी एनी टू एंगल, जरूरी नहीं है कि साइड वाले हों और सेंटर वाले, एनी टू एंगल्स एंड वन साइड। अब देखें जो साइड है ए बी और इसकी साइड है डी ई, दोनों पे 1 मार्क है, इसका मतलब ये साइड दोनों की एक जैसी होगी। अब दो एंगल्स, एंगल बी पे मैंने 3 मार्क्स लगाए हैं और एंगल ई पे भी 3 मार्क्स लगाए हैं। सिमिलरली जो बी सी है साइड, इस पे 2 मार्क्स हैं, इस पे 2 साइड, इसका मतलब है कि इसकी दो एंगल्स और वन साइड ये है, इसमें दो एंगल्स बना लेते हैं, यानी दो एंगल्स ये सी एंड बी बना लेते हैं, ये देखें इस पे 3 मार्क्स हैं। सिमिलरली इस पे भी आप 2 मार्क्स लगा लें। अब ये देखें दो एंगल और एक साइड दोनों की एक जैसी होगी, यानी एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई बिकॉज दोनों पे 3-3 मार्क्स लगे हुए हैं, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ बिकॉज दोनों पे 2-2 मार्क्स लगे हुए हैं,
इसका मतलब ये दो एंगल्स दोनों ट्राइंगल के सेम है। सिमिलरली ए बी एंड डी ई सिंगल मार्क है, इसका मतलब है एक साइड भी दोनों की एक जैसी है। यानी इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर सेम या कॉन्ग्रुएंट देन द ट्राइंगल इज द ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। इस सूरत में भी दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहते हैं। पोस्टुलेट थ्री एस ए ए यानी साइड एंगल एंगल। अब जो एंगल साइड एंगल है या साइड एंगल एंगल ये दोनों सेम ही है क्योंकि दोनों की डेफिनेशन में यही है कि एनी टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू एनी टू एंगल्स या कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड वन साइड देन द टू और मोर ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। यानी जो आपका पोस्टुलेट ए एस ए है और एस ए ए दोनों की सेम डेफिनेशन है और दोनों में आप सेम डायग्राम बना सकते हैं क्योंकि एनी टू एंगल्स एंड वन साइड है, इस पर कोई कंडीशन नहीं है कि साइड एंगल के दरमियान होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यानी अगर दो एंगल्स और एक साइड एक ट्राइंगल की और कॉरेस्पॉन्डिंग जो दूसरी ट्राइंगल है उसमें भी उसी तरह के दो एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रुएंट होंगी यानी एक जैसी होंगी देन द टू ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट अकॉर्डिंग टू ए एस ए पोस्टुलेट या अकॉर्डिंग टू एस ए ए पोस्टुलेट। यानी दोनों के लिए सेम डायग्राम और सेम डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्टुलेट एस 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 पोस्टुलेट। यानी एस 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 का मतलब क्या है कि तीनों साइड एक जैसी हों, एंगल की इसमें कोई कैद नहीं है। इफ टू और मोर देन टू ट्राइंगल्स आर हैविंग सेम साइड्स यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर दोनों की सेम होगी, एंगल्स की बात नहीं हो रही सिर्फ साइड्स की बात हो रही है, अगर दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स एक जैसी हैं कॉन्ग्रुएंट हैं वन बाई वन करके। फॉर एग्जांपल जैसे ये ट्राइंगल है पी क्यू आर और दूसरी है एस टी यू। अब इसमें देखें पी क्यू पे वन मार्क है, एस टी पे भी वन मार्क है, फिर पी आर पे डबल मार्क है, एस यू पे डबल मार्क है, सिमिलरली क्यू आर पे थ्री मार्क्स हैं और टी यू पे थ्री मार्क्स हैं। इसका मतलब है दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एक जैसी हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अकॉर्डिंग टू एस 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 पोस्टुलेट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये इसलिए लिखा ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एस टी यू बिकॉज कि एस 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 पोस्टुलेट कंप्लीट हो रहा है यानी दोनों की तीनों साइड्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हैं वो एक जैसी हैं यानी कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट एस ए एस। अच्छा इसमें और इसमें फर्क क्या है जो मैंने यहाँ पे नंबर टू और नंबर थ्री यहाँ पे था ए एस ए या एस ए ए ये दोनों का मतलब सेम है बट एस ए एस इज टोटली डिफरेंट। इसमें क्या होगा इसमें एक ट्राइंगल की दो साइड्स और उनके दरमियान वाला जिसको कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। यानी इफ एनी टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल देन द ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट अकॉर्डिंग टू एस ए एस पोस्टुलेट। यानी इसके लिए कंडीशन है जरूरी है कि दो साइड्स और उनके दरमियान वाला एंगल अगर एक जैसा होगा तो फिर वो एस ए एस पोस्टुलेट के मुताबिक दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी। यानी कि मैंने ट्राइंगल बनाई है ट्राइंगल एल एम एन एंड पी क्यू आर। अब देखें एल एम इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू बिकॉज बोथ ऑफ देम आर हैविंग टू मार्क्स। फिर एंगल एंगल एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू क्योंकि दोनों पे सिंगल मार्क है। फिर एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर बिकॉज इन दोनों पे थ्री थ्री मार्क्स हैं। इसका मतलब है कि इसकी दो साइड यानी एल एम और एम एन और बीच वाला एंगल यानी इंक्लूडेड एंगल यानी एंगल एम इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू एंड क्यू आर टू साइड हैं और जो इनका सेंटर वाला एंगल है या इंक्लूडेड एंगल है वो क्यू है। दोनों सेम है जैसे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एस ए एस पोस्टुलेट ट्राइंगल एल एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। नेक्स्ट एच एस पोस्टुलेट पेज नंबर 194। अब एच एस पोस्टुलेट क्या है ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में है क्योंकि जब भी हाइपोटेन्यूज आ जाता है इसका मतलब है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में एक एंगल और उसका हाइपोटेन्यूज एक जैसा होगा इसका मतलब है वो एच एस पोस्टुलेट के मुताबिक यानी हाइपोटेन्यूज एंड साइड के मुताबिक दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसमें मैंने दो ट्राइंगल बनाई है ए बी सी एंड डी ई एफ। अब देखें जो एंगल बी है 90 डिग्री का और एंगल ई भी 90 डिग्री का, इसका मतलब दोनों का एक एंगल सेम है क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। अब हाइपोटेन्यूज जो ट्राइंगल ए बी सी एस का हाइपोटेन्यूज है ए सी या सी ए इस पर थ्री मार्क्स हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा ट्राइंगल डी ई एफ है उसका हाइपोटेन्यूज है डी एफ वो भी थ्री मार्क्स हैं। इसका मतलब दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम हो गया
एंगल तो है ही सेम क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई क्योंकि ये भी डबल मार्क है, ये भी डबल मार्क है। इसका मतलब हो गया कि दो राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि दोनों का एंगल सेम होगा, और अगर दोनों के हाइपोटेन्यूज या दोनों के परपेंडिकुलर की वैल्यू एक जैसी होगी यानी सेम मार्क्स हैं, तो इसका मतलब है दीज टू ट्राइंगल्स आर ऑल्सो सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट अकॉर्डिंग टू एच एस यानी हाइपोटेन्यूज एंड साइड पॉस्टुलेट। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ किसके मुताबिक, एच एस पॉस्टुलेट के मुताबिक। अगेन डेफिनेशन आपने लिखनी है और इसमें आपने ये डायग्राम इस पर बना देनी है। तो ये थे पांच पॉस्टुलेट्स, ए एस ए, एस ए ए, एस ए एस एंड एच एस पॉस्टुलेट। और ये सॉरी पांच जो पहली डेफिनेशन थी वो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स थी, यानी एक तो है कि तीनों साइड्स और तीनों एंगल सेम हो, फिर दो साइड और सेंटर वाला एंगल, या कोई से दो एंगल और एक साइड, इसमें भी कोई से दो एंगल और एक साइड, या तीनों साइड सिर्फ एंगल की जिक्र नहीं है, तीनों साइड एक जैसी होंगी दो ट्राइंगल्स या उससे ज्यादा की, देन द ट्राइंगल आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट। अब आते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव जो बोले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 99% चांसेस होते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर फोर है ये एग्जाम में आता है, और क्वेश्चन नंबर फाइव भी आ सकता है, वो दोनों का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। अब आपको पता लग गया कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कैसे होती हैं किसी भी पॉस्टुलेट के तहत। अब जो क्वेश्चन नंबर फोर है उसमें एक डायग्राम बनाई हुई है। अब एक भी बात और भी याद रखनी है कि चैप्टर नंबर 10 से ऑनवर्ड जितने भी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसमें डायग्राम नॉर्मली इन्वॉल्व होती है। जिस भी क्वेश्चन में डायग्राम इन्वॉल्व होगी सबसे पहले आपने पेपर में उस डायग्राम को ड्रॉ करना है, बेशक आप रफली कर लें लेकिन करना है। डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद फिर आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। तो डायग्राम बनाई हुई है तो उसमें गिवन है कि दो ट्राइंगल्स हैं, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी, दीज आर द टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स गिवन है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। अब क्योंकि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, अब मैंने इसमें से अननोन वैल्यूज फाइंड करनी है x की और m की। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल ए सी डी, यानी ए बी डी ये लेफ्ट वाली एंड ए सी डी ये राइट वाली, ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। इसका मतलब इनके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं और साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, वैसे भी नजर आ रहा है। ये देखें ए बी पे टू मार्क्स हैं और ए सी पे भी टू मार्क्स हैं, इसका मतलब ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। सिमिलरली जो ए डी है वो सेंटर में है, इसका मतलब है बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, क्योंकि ये जो लाइन बाइसेक्टर होता है वो हमेशा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है। इसका मतलब हो गया, अब देखें एंगल बी, एंगल बी और एंगल सी भी कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, लिहाजा इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहीं से हम निकालेंगे, अब हमने निकाली है वैल्यू एक्स की और एम और सॉरी दूसरी है एम की। इसका मतलब है ये दो साइड्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, लिखेंगे ट्राइंगल सॉरी साइड बी डी सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, यानी बी डी और सी डी कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की जो बेस वाली वैल्यूज है वैसे भी नजर आ रहे। देखें इस पे भी टू मार्क्स हैं, इस पे भी टू मार्क्स हैं, यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे टू, ये दोनों एक जैसे हैं, इस पे थ्री कर लेते हैं ताकि डिफरेंस पैदा हो जाए। अभी दोनों एक जैसे हैं, इसका मतलब लिखेंगे बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। तो बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, जब हमने ज्योमेट्रिकल बात करनी है तब हमने कॉन्ग्रुएंसी का साइन, लेकिन अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो हम इसको अल्जेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंसी की बजाय इक्वल का साइन लगाते हैं। सो 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 2m प्लस 6। अब इसको जिस तरह लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, m को लेफ्ट पे कर लें और कॉन्स्टेंट को राइट पे। सो 5m माइनस 2m इज इक्वल टू 6 प्लस 3, 3m इज इक्वल टू 9 व्हिच इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू 9 ओवर 3 व्हिच इज इक्वल टू 3। अब हमने निकालनी है वैल्यू x की। अब x जो है वो एंगल्स में है, इसका मतलब है एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। पहले C लिख रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ फाइंड करनी है उसको हमेशा लेफ्ट पे लिखें, जैसे स्टेप बच जाते हैं। तो लिखें नाउ एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B विच मीन्स एंगल C की वैल्यू है 5x प्लस 5 डिग्री। तो 5x प्लस 5 डिग्री इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5x इज इक्वल टू 55 माइनस 5 यानी 50 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 50 ओवर 5 विच मीन्स x इज इक्वल टू 10 डिग्री। यानी दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस लेके हमने कॉन्ग्रुएंट साइड को पहले इक्वल पुट कर दिया, बी डी इज इक्वल टू सी डी, यहाँ से m की वैल्यू आ गई। फिर दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स थे एंगल c एंड एंगल b, उनको एक दूसरे का इक्वल पुट करने के बाद x की वैल्यू निकाल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें भी देखें दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बना के दी हुई हैं। पहली ट्राइंगल का नाम है
पी क्यू आर, इसी तरह दूसरी ट्राइंगल है ए बी सी, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। कैसे पता लगा? क्योंकि इनमें एक एंगल 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के एंगल की ओपोजिट साइड आपका हाइपोटेन्यूस है, इसका मतलब है इसका हाइपोटेन्यूस है पी आर। इसी तरह यहाँ पे 90 के ओपोजिट है ए सी या सी ए, इसका मतलब ये इसका हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस को हाइपोटेन्यूस के इक्वल पुट कर देंगे। सिमिलरली ये देखें, ये इसका परपेंडिकुलर है, यानी पी क्यू इज कॉन्गुएंट टू ए बी, यानी एक्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बच गई हमारा बेस, इसकी बेस है क्यू आर और इसकी बेस है बी सी, यानी इन तीनों साइड को पहले लोकेट कर लें कि कौन सी साइड किसके इक्वल है, क्योंकि दो कॉन्गुएंट ट्राइंगल्स हैं, लिहाजा इनकी जो कॉन्गुएंट जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल होंगी। अब वही हम इक्वेशन बना लेते हैं, एन ट्राइंगल पी क्यू आर कॉरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले देखें पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, यानी पी क्यू की वैल्यू है एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू ए बी आ गया 3 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर थे। नाउ बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर, क्योंकि बी सी की वैल्यू ये देखें, ये है बी सी हमारा जो इसका बेस है। सिमिलरली ये इसका हाइपोटेन्यूस कहता है, ये इसकी बेस हो, देखेंगे बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर, तो बी सी की जगह है जी, सो जी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब दोनों के हाइपोटेन्यूस को कंपेयर करते हैं, क्योंकि 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस है, इसका मतलब हम लिखेंगे सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। ये देखें सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, तो सी ए की वैल्यू हमारी y माइनस वन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सो y इज इक्वल टू 5 + 1 यानी 6 सेंटीमीटर। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि जो पोस्टुलेट्स हैं, यानी जो कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स हैं, उसके 5 पोस्टुलेट्स हैं। एक तो यह है कि तीनों साइड और तीनों एंगल्स एक जैसे हों, उसी एतबार से आपने उसकी डायग्राम बनानी है। दूसरा है ए एस ए या एस ए ए, ये दोनों का सेम होगा, यानी कोई से दो एंगल और एक साइड अगर दो ट्राइंगल की एक जैसी हैं, देन द ट्राइंगल्स आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट। फिर तीसरा है एस एस पोस्टुलेट, यानी एस एस में क्या है, दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड, यानी तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक जैसी होंगी तो वो एस 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 पोस्टुलेट के मुताबिक कॉन्ग्रुएंट होंगी। फिर है एस ए एस, इसके लिए कंडीशन है कि दो साइड्स और उनके सेंटर वाला एंगल, अगर दो ट्राइंगल्स की दो साइड और इंक्लूडेड एंगल एक जैसे होंगे तो एस ए एस पोस्टुलेट के मुताबिक वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। फिर लास्ट है एच एस पोस्टुलेट, एच एस में क्या होगा, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स होंगी, उसका दोनों का हाइपोटेन्यूस और कोई सी एक साइड, चाहे वो परपेंडिकुलर हो चाहे वो बेस हो, अगर एक जैसी हैं तो एच एस पॉसिबिलिटी के मुताबिक दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। फिर रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 में दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स दी हुई हैं, इसका मतलब है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम इक्वल पुट करने के बाद एक्स और एम की वैल्यू निकाल लेंगे। बी सी बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, यहाँ से एम की वैल्यू निकलेगी, एंड एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में दो राइट एंगल ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्राइंगल्स दी हुई हैं, लिहाजा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को तलाश करेंगे और फिर उनको एक दूसरे के इक्वल पुट करने के बाद एक्स वाई और जी की तीनों की वैल्यूज निकालें। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश की कि पूरे चैप्टर की सारी क्रीम आपको एक ही लेक्चर में समझा दी है। अब इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 11 से होगा, यानी पैरेललोग्राम एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और फिर आगे उनके जो डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरह सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।